बलरामपुर जिले के ब्लॉक वाड्रफ नगर के ग्राम पंचायत पिंडारी में महिला एवं बाल विकास परियोजना के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह वाड्रफ नगर एवं रघुनाथ नगर की परियोजना के द्वारा 85 जोड़े का विवाह पंडित महेंद्र कुमार पाठक के द्वारा संपन्न कराया गया, जिस विवाह के मुख्य अतिथि स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम का पटाखा जलाकर माला पहनाकर स्वागत गीत गाकर स्वागत किया गया। उसके पश्चात नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान कर मुख्य अतिथि के द्वारा नवविवाहिताओं को पौधे वितरण किए गए। परियोजना विभाग की ओर से घरेलू सामान भी वितरण किया गया। अध्यक्षता श्रीमती गीता सोनपाका, विशिष्ट अतिथि जयप्रकाश जायसवाल मान्य अतिथि उपस्थित रहे। कितने नौ जोड़ों को आप सामूहिक विवाह के अवसर पर सभी को मैं अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं भेजना चाह रहा हूँ कि नौ विवाहित जोड़ों का उनका उसमें जीवन हो, आगे अच्छे से लोग नहाए बोले आगे बढ़े, उनको सभी को हम आशीर्वाद देने के लिए बहुत से लोग वहाँ पर आए हैं। आज 85 जोड़े का यहाँ पर विवाह संपन्न हुआ है। अलग अलग रीति से युवा समाज के भी लोग अपने उनके धर्माचार्य द्वारा उनकी शादी विवाह कराए गए, दूसरी जाति के भी लोग हैं उनके लिए धर्माचार्य हैं उनके लिए कराए गए। तो सब अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने रीति के अनुसार अपने अपने रीति के अनुसार उनको शादी संपन्न यहाँ पर हुआ और बहुत से लोग यहाँ पर सब उनके आशीर्वाद देने के लिए उनको आगे सुख जीवन के लोग शुभ आशीर्वाद देते हैं। पूरे जिले में 300 जोड़ों का शादी कराना है, उसके लिए तिथि निर्धारित है। जैसे आज यहाँ वाड्रफ नगर के पिंडारी में है, यहाँ 85 जोड़े हैं। कल 29 तारीख को शंकरगढ़ में है, 30 तारीख को राजपुर में है, 1 तारीख को सामरी में है, 4 तारीख को बलरामपुर और 6 तारीख को रामानुजगंज के महावीरगंज में है। मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह के अंतर्गत पिछले वित्तीय वर्ष से राशि बढ़ा दिए हैं। एक शादी में 25,000 खर्चा करना है, उसमें से 14,000 रुपये को भार सामग्री है, 5,000 रुपये का श्रृंगार सामग्री का है और 1,000 रुपये चेक के माध्यम से उनको नगद देते हैं। साथ ही साथ बाकी जो राशि है वो विवाह आयोजन पे खर्च होता है। और क्या व्यवस्था है सर, जो आने जाने वालों के लिए कितने का व्यवस्था, क्या कैसे? आने जाने वालों के लिए 500 का प्रावधान है, उसमें 5,000 में से ही है। बलरामपुर से आनंद मिश्रा की रिपोर्ट।